दिस इज नीति रॉय, वेलकम टू माय चैनल। साल 2024 का फर्स्ट क्वार्टर यानी 3 महीने गुजर चुके हैं। इन 3 महीनों में हिंदी में लगभग 18 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें महज 3 हिट रही हैं, 2 एवरेज से ऊपर रही हैं, जबकि फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज बॉलीवुड्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, इंक्लूडिंग हिट्स, फ्लॉप्स, प्रॉफिटेबल फिल्म्स एंड फिल्म्स व्हिच एमर्ज्ड एज बिग सरप्राइजेस। कंपेयर किया जाए तो इन 2024 बॉक्स ऑफिस मिस्ड अ मेगा हिट लाइक शाहरुख खान पठान, व्हिच एमर्ज्ड एज अ गेम चेंजर इन 2023। ह्यूज एक्सपेक्टेशंस वर फ्रॉम सिद्धार्थ सानंद फाइटर स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण, बट फिल्म उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई। फिल्म ने भारत में 212 करोड़ की कमाई की है, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म का कलेक्शन 360 करोड़ तक का रहा। Even it is highest grossing film of 2024 till now. Because of its mega budget, this film cannot be considered as a clean hit. Other than fighter films which had underwhelming performance at the box office this year are Merry Christmas, Main Telugu and Yodha. In filmon se kafi zyada ummeed thi. Katrina Kaif and Vijay Sethupathi starred even received positive reactions, but it could not translate into box office numbers. 16 crore ke lagbhag ki kamai ke saath ye film flop rahi. But this film found its audience on OTT. You can watch it on Netflix. अब बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात करें तो अ फ्यू मूवीज सरप्राइज्ड द ट्रेड्स, मेड बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शन एंड सेव्ड द फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। यहाँ पहला नाम जो मुझे याद आता है वो है अजय देवगन और माधवन स्टारर फिल्म शैतान। ऑलमोस्ट सभी ट्रेड ने प्रेडिक्ट किया था कि ये सुपर नेचुरल थ्रिलर 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी, लेकिन इससे ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला और ये फिल्म 4 हफ्तों बाद अभी भी थिएटर्स में चल रही है। बता दें, शैतान अब तक भारत में 150 करोड़ के लगभग की कमाई कर चुकी है, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। माधवन इज वन ऑफ द स्टार्स हु टुक द लाइमलाइट विद हिज इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस एज अ विलन इन दिस फिल्म। और मैं उसका भगवान। व्हाट रबिश। जानवी, अपने पिताजी को जोर से छावर मार दो। अदर देन शैतान, यमी गौतम्स पॉलिटिकल ड्रामा आर्टिकल 370 ने भी शानदार बिजनेस किया है। 6.12 करोड़ की ओपनिंग देने के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया और हिट रही। इसके अलावा शाहिद कपूर एंड कृति सनन्स रोमांटिक ड्रामा तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एंड किरण राव्स लापता लेडीज ऑल्सो प्रूव्ड टू बी अ सक्सेस। हिट फिल्मों की लिस्ट में हनुमान का जिक्र भी जरूर किया जाना चाहिए। दिस तेलुगु लैंग्वेज सुपर हीरो फिल्म डिड ट्रेमेंडस बिजनेस इन हिंदी टू। With over 50 crore business, it proved to be a super hit. Even though Hollywood didn't have some blockbuster releases this quarter, but few movies like Dune 2, Kung Fu Panda 4 and Godzilla X Kong The New Empire performed decent. Back to Hindi movies, khas baat hai ki Article 370 Lapata Ladies aur Crew jaise female-centric films ko apne content ke liye na sirf critics appreciation mila, balki audience also accepted them. लापता लेडीज ने महज 75 लाख से बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अपने कंटेंट के दम पर फिल्म 1 महीने तक थिएटर्स में टिकी रही और 15 करोड़ तक का बिजनेस किया। ऑल्दो आई बिलीव दिस आउटस्टैंडिंग फिल्म डिजर्व्ड मोर। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार, कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई। सर, कैसे हुए? मटने साथ से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रहेगा। मार्च के अंत में रिलीज हुई तब्बू, करीना कपूर और प्रीति सैनन स्टारर फिल्म क्रू ने 5 दिनों में 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं कुणाल केमू के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा मडगांव एक्सप्रेस 20 करोड़ पार कर चुकी है। With the acceptance of films like Madgaon Express, Lapata Ladies, Article 370, we can say that smaller budget films did considerably decent business in this quarter. And to be noted, biopics are most certainly not in trend this year. Both Pankaj Tripathi's Main Telugu and Randeep Hooda's Swatantra Savarkar didn't do well. Talking about the profitable films of 2024 till now, only 3 films managed to earn more than 100% profit, or we can say return on investment, and that is Hanuman, Shaitan and Article 370. If I have to choose a star of the quarter, it will be Ajay Devgan. He must get credit for giving one of the super hits for the quarter. No doubt, he is one of the stars who attract footfalls. As a result, Shaitan worked not only in mass pockets but also in urban centers. The film is still running in theaters. In final words, even the first quarter of 2024 failed to impress the trades and the box office, but huge expectations riding on for April.
as Ajay Devgan and Akshay Kumar both are coming with their most awaited films this Eid, Maidaan and Badi Miyan Chote Miyan. अगर ये दोनों फिल्में चलती हैं तो इट विल बी अ मैसिव विन फॉर द बॉक्स ऑफिस 2024. आपको 2024 में किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? डू शेयर योर ओपिनियन इन कमेंट्स बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. बाय बाय.